आखिर पिटाई कांड का डायरेक्टर कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये कि चीरहरण से चरित्र हनन तक की ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई शीश महल में, सीएम हाउस में, उसका डायरेक्टर कौन है? आज इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बात 13 मई को पिटाई कांड के उस सच की जिसे पहली बार स्वाति मालीवाल ने ना ये सच देश के सामने बयां कर दिया 25 तारीख को वोटिंग से पहले। समझ लीजिए, तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत। फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही। एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके, एडिट करके, उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीजें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही। पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करो, मेरे विक्टिम शेमिंग करो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट मैं चाहती हूँ कि पुलिस करे, उससे सब क्लियर हो जाए। मुझे धमकाया गया था कि तुम्हें ख़त्म कर देंगे, पर मैं इतना बता दूँ कि मैं ख़त्म नहीं होऊंगी, मैं सच बोल रही हूँ। चीरहरण तो मेरा उस घर में हुआ और चरित्र हरण मेरा रोज चलाया जा रहा है। आज मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, ये चीरहरण से चरित्र हनन की जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई ना, इसका डायरेक्टर कौन है, इसके पीछे कौन है? मतलब ये सवाल पूछा गया कि विभव ने खुद अपनी, मतलब इतनी हिम्मत आ गई कि एक राज्यसभा सांसद को लाते मारी, थप्पड़ मारे, घूसे मारे, सर पटक दिया, इतनी हिम्मत एक पीए के अंदर कहां से आई? मतलब 13 मई को सीएम केजरीवाल के आवास पर हुई पिटाई की घटना के बाद स्वाति मालीवाल पहली बार मीडिया के सामने आई, उन्होंने हिम्मत दिखाई। वैसे उन्होंने कहा कि मेरा एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस लड़की का इतना बुरा हाल कर दो, आज के बाद किसी लड़की की हिम्मत ना हो इस तरह से बाहर आने की। स्वाति ने उस दिन का पूरा सच बयां कर दिया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए, और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पिटाई कांड का डायरेक्टर, यकीन मानिए, कोई और है? चेहरा कोई और, मोहरा कोई और? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको स्वाति मालीवाल को ना सुनना चाहिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बयान जो है वो वोटिंग से पहले, दिल्ली में 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है, पूरी दिल्ली, पूरा देश स्वाति मालीवाल के एक एक शब्द को ध्यान से सुने कि स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही है वो केजरीवाल के घर के अंदर पिटाई हुई है, मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, सर पटका गया, शर्ट के बटन खुल गए, ये सारी चीजें हुई। उन्होंने बोला चीर हरण हुआ है मेरा मुख्यमंत्री के घर के अंदर 13 मई को। उस कांड को बताते हुए कई बार भावुक हुई, कई बार रो पड़ी, सीएम हाउस में अपने साथ हुई बेरहमी से लेकर आज तक उनके साथ क्या क्या हुआ, विक्टिम शेमिंग, करेक्टर असैसिनेशन, सब कुछ बताया स्वाति मालीवाल ने। स्वाति ने बताया कि कैसे 13 मई को सीएम हाउस में चीर हरण से चरित्र हनन तक बात पहुंची। आज कौन कौन सी बड़ी बातें बोली हैं वो पहले एक बार आप जान लीजिए, पूरा निचोड़ ऐसा करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरव्यू था, मेरी टीम ने पूरा इंटरव्यू सुना, हमने पूरा इंटरव्यू सुना, हमने कोशिश की इसका निचोड़ आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहला उन्होंने कहा कि सीएम हाउस में जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मेरा चीरहरण शब्द ध्यान रखिएगा, रोज मेरा चरित्र हरण किया जा रहा है, अंदर चीरहरण, बाहर चरित्र हनन, मुझे रेप, मुझे जान से मारने की धमकी मिली, विभव कुमार ने मुझे 7 से 8 थप्पड़ मारे, मेरा पैर पकड़कर घसीटा, लात मारी, घूसे। उन्होंने कहा मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई मदद के लिए नहीं आया, मैं दर्द से कराहती रही, विभव पीटता रहा। उनसे पूछा गया जब आप चीख रही थी तो मतलब कोई ऐसे हो सकता है कि कोई तो आया होगा,
कोई अंदर नहीं था क्या? उन्होंने कहा केजरीवाल थे अंदर। विभव ने कहा तुम्हें मार देंगे, गाड़ देंगे। विभव ने कहा कि स्वाति को बाहर फेंको। विभव मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था। विभव कुमार, जो आपकी जानकारी के लिए, जो लोग संभवतः पहली बार यह खबर देख रहे हैं, अगर वैसे तो ये सबको पता है, सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल के। उन्होंने कहा मैं चीखती रही, कोई बचाने वाला नहीं आया। केजरीवाल घर में थे, बचाने नहीं आए। इस बात को ध्यान रखिएगा, दो बातें, चीरहरण, चरित्र हनन, और केजरीवाल घर में थे, बकौल स्वाति मालीवाल। मैं नहीं बोल रहा हूं, आरोपी विभव को बचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पार्टी को मेरा चरित्र हनन के लिए बोला, किसके कहने पर हुआ यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही हूं। सुनिए क्या कहा स्वाति मालीवाल ने, पूरा बयान सुनाइए। क्योंकि मेरा सब खत्म हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया, और मैं जहाँ मैंने इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, जहाँ पे मैं लोगों के साथ उठती थी बैठती थी, आज वही लोग मेरे परिवार तक पहुँच गए। आज उन्होंने क्या नहीं करा मेरे को डराने के लिए और धमकाने के लिए। मेरा चीरहरण तो मेरा उस घर में हुआ, और चरित्र हरण मेरा रोज़ चलाया जा रहा है। मैं इस वक्त बहुत आहत हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ, और मुझे धमकाया गया था कि तुम्हें ख़त्म कर देंगे, पर मैं इतना बता दूँ कि मैं ख़त्म नहीं होऊंगी, मैं सच बोल रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सच में बहुत शक्ति है और अंत तक लड़ूंगी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया, और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले। ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। वो उसको लेके लखनऊ घूम रहे हैं, वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे सड़क पे उतरे। इतना तो उन्होंने मनीष जी जब अरेस्ट हुए थे उनके लिए भी नहीं करा। तो ये जो चल रहा है, और पूरी तरीके से पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करो, मेरे विक्टिम शेमिंग करो, 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पर जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया, और मैं चीखती रही चिल्लाती रही। मालीवाल कह रही है वो चीखती रही चिल्लाती रही, कोई नहीं आया, मेरा चीर हरण हुआ, सीएम हाउस के अंदर बाहर चरित्र हनन हो रहा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर के अंदर मौजूद थे। स्वाति ने रोते हुए बताया कि कैसे सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट हुई, मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, कैसे वो जोर जोर से चीखती रही, कोई भी बचाने नहीं आया। वो भी तब जबकि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के दावे के हिसाब से वहां पर मौजूद थे, सीएम हाउस में थे। उनकी पत्नी, माता पिता सीएम हाउस में मौजूद थे, ये दावा है स्वाति मालीवाल का। सच जांच के बाद सामने आएगा, पूरा स्टाफ मौजूद था, लेकिन आरोपों के हिसाब से विभव पीटते रहे, किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। सवाल ये उठता है कि विभव ने किसी और के कहने पर पिटाई की, ये सवाल पूछा गया, मैं जवाब भी सुनाऊंगा स्वाति ने इसका क्या जवाब दिया। इस पूरे केस में विभव क्या सिर्फ एक मोहरा है, चेहरा कोई और है, क्या पिटाई कांड की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, और अगर हाँ तो वो मूल सवाल डायरेक्टर कौन है साहब। एक बार सुनिए कि जब स्वाति मालीवाल से ये सवाल पूछा गया ना कि क्या विभव की इतनी हैसियत कि वो अपने दम पर एक राज्यसभा सांसद को ऐसे पीट देंगे, स्वाति ने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन ये भी कहा कि मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। सुनिए, किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो खुद पीटे, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मारपिटाई हुई है। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं, वो जो सवाल हैं कि कैसे पिटी, क्यों पिटी, विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ,
हाँ मैं ये भी है लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। देखिए हमें नहीं पता सच क्या है, सच जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इस पूरी घटना के पूरे सीक्वेंस को अगर समझा जाए, देखा जाए, तो इस तरफ इशारा करें कि मामले में जो कुछ दिख रहा है ना, वो शायद संभवतः दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है इससे कुछ अलग हो, मसलन घटना के फौरन बाद से आम आदमी पार्टी का मौन साध लेना, आम आदमी पार्टी मौन व्रत पर चली गई, कोई बोलने को तैयार नहीं था। संजय सिंह ने बोला हाँ कि अभद्रता हुई स्वाति मालीवाल के साथ, विभव ने की। घटना पर प्रतिक्रिया देने में 24 घंटे का वक्त लगना, एक राज्यसभा सांसद की मुख्यमंत्री घर के अंदर अगर उसके साथ अभद्रता हो गई, इतना बड़ा मामला क्यों चुप? स्वाति को गलत साबित करने वाला वीडियो वायरल होना, जिस पर स्वाति ने सवाल उठाया कि ये तो डॉक्टर छोटा सा वीडियो जान के वायरल किया गया सेलेक्टिव। आरोपी सबसे जरूरी, जिस पर आरोप है ना कि विभव कुमार ने पीटा मारा घसीटा सब कुछ, उस आरोपी विभव कुमार को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना, आरोपी विभव कुमार का सीएम हाउस में एक तरीके से अगले दिन वो लखनऊ में एयरपोर्ट पर पकड़े जाना सीएम के साथ केजरीवाल के साथ, सीएम केजरीवाल का स्वाति के सवालों से बचते दिखना, जब उनसे सवाल पूछा गया था तो बीजेपी कह रही थी उनके हाथ पांव कांपने लगे थे, जब स्वाति मालीवाल का सवाल केजरीवाल के मुंह पर पूछ लिया गया तो उनके हाथ पांव कांपने लगे थे, जैसा बीजेपी बता दी थी। मतलब आपको नहीं लगता ये सारे सवाल मामले में कुछ ना कुछ अलग होने की तरफ इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शायद स्वाति जो कह रही है शायद वो सच है, क्योंकि अभी ना स्वाति को हम सच कह सकते हैं ना हम विभव को सच्चा कह सकते हैं। मामले की जांच हो जाएगी, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, मामला जांच हो रही है, पुलिस जांच करके बताएगी, लेकिन सवाल हैं, सवाल होने की पिटाई कांड का डायरेक्ट कोई तो होगा ना जो इसके पीछे होगा, मतलब ऐसे तो होगा नहीं कि एक सीएम का पीए उठाकर राज्यसभा सांसद को पीट दे। सवाल है कि बड़ी वजह घटना के वक्त सीएम की मौजूदगी को लेकर भी अलग अलग बयान, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएम केजरीवाल कहां थे उस टाइम, कहां थे वो? स्वाति ने पहले मजिस्ट्रेट के सामने दिया बयान में, मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में माना और अब ये दोबारा माना इंटरव्यू के टाइम। ये घटना के वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहीं पर हाउस में मौजूद थे, घर में थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। एक तरफ संजय सिंह ने माना कि जिस वक्त घटना हुई स्वाति ड्राइंग रूम में बैठकर सीएम का इंतजार कर रही थी, तो वहीं आतिशी ने कहा कि सीएम उपलब्ध नहीं थे, था क्या थे नहीं थे जांच में सामने आ जाएगा। सुनिए स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी, इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। देखिए सवाल इस बात को लेकर भी पूछा गया कि क्या विभव राजदार हैं? केजरीवाल के राजदार होने की वजह से पूरी आम आदमी पार्टी विभव को बचाने के लिए जुटी हुई है, विभव विदेशी फंडिंग से लेकर पार्टी के कई ऐसे राज जानते हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए आम आदमी पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़ा, जो गुस्सा सिसोदिया सत्येंद्र संजय सिंह के लिए नहीं था, विभव कुमार के लिए पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर रही है। स्वाति ने भी इसका भी जवाब दिया, सुनिए क्या कहा स्वाति मालीवाल ने इस सवाल पर, ध्यान से सुनिएगा। अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं, वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है। तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में, और पूरी पार्टी उनसे डरती है। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के एक और बड़ी खबर।